अब हम करने जा रहे हैं एट्थ क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। बड़ा ही बढ़िया वाला जो चैप्टर है, समझ में आता है, आसान है। और इसका ये क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 4। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आप समझिएगा ताकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप इसके आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। केस को अच्छे से समझिए। तो देखिए क्या है इसमें, नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, वन नंबर ऑन वन स्लिप। 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं 10 स्लिप्स के ऊपर जो टुकड़े हैं, जो पेज के बराबर बराबर है, जैसे रेक्टेंगुलर है, कैसे भी है, स्लिप्स बना रखी है, उन पर 1 से लेकर 10 नंबर लिखे हुए हैं। 1 स्लिप के ऊपर 1 ही नंबर है। कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, उन्हें डिब्बे में डाल दिया गया और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया, जैसे चिट निकालते हैं लॉटरी का या नाम वगैरह का, है ना, ये इस तरीके से। तो ये नंबर है, यहाँ पर नंबर 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए हैं। वन स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट, अब एक जो स्लिप है उसमें से निकालनी है उसके अंदर देखे बिना, क्योंकि उसको अच्छे से हिला दिया गया है तो अब कोई भी जो चिट है वो निकल सकती है। तो ऐसे ये चिट निकाली गई है, एक चिट निकाली गई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये आसान है, समझते जाएंगे पढ़ करके और फिर इसे करते हुए जाएंगे, तो ऐसा ही करते हैं। तो अभी वेट कीजिए, अभी हम करेंगे सॉल्यूशन, जब कर रहे हैं तभी साथ साथ पढ़ करके इसे करते जाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 10 चिटों पर वे नंबर लिख दिए गए हैं और उन 10 नंबर लिखने के बाद उन्हें एक डिब्बे में डाल दिया गया और उन्हें अच्छे से हिला दिया गया। अब उसमें से एक चिट जो है वो बाहर निकालनी है उसके अंदर देखे बिना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी इन 4 केसेस की, तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। लेट्स डू। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वो निकालने पड़ेंगे, पहले हम निकालते हैं टोटल केसेस। टोटल केसेस है 10, 1 to 10 नंबर हुए ना, टोटल केसेस हुए 10। और अब लेट ए इज द इवेंट, हमने इवेंट को मानना है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 6, नंबर 6 हमें मिले, वो ये इवेंट हो गई। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केसेस देखिए 1 to 10 नंबर है, सारे अलग अलग है, तो 6 का तो एक ही नंबर होगा ना, एक से ज़्यादा तो नहीं होगा, तो आपके फेवर में सिर्फ एक केस है। अब प्रोबेबिलिटी पी ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और डिवाइड में होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके है 1 और टोटल केसेस है 10, तो 1/10 आपकी इवेंट हुई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ नंबर 6, अब आप कह रहे होंगे इतना कुछ क्या करने की ज़रूरत है, देखिए मार्क्स चाहिए तो तरीके से लिखिए, अच्छा रहेगा, खिचड़ी सी मत पकाइए, ऐसे शॉर्टकट मत कीजिए, अगले को पता ही ना लगे क्या लिखा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, छः से कम आए तो उसमें क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 यही ना। तो बी हमने इवेंट मान ली, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके फेवर में है, है ना। 6 से कम तो कितने हुए ये 5, 0 इसमें शामिल नहीं है, नहीं तो 0 अगर होता 0 से लेके 10 तक तो फिर 11 टोटल इवेंट हो जाती और यहाँ पर 6 आ जाता या कुछ और होता, फिलहाल तो ये है, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PB फार्मूला आपको लिखना होगा, ठीक है ना, फार्मूला आपको लिखना होगा, मैं लिखूं, ओके खुश, तो ठीक है। अब ये हो गया और 5 आपके फेवर में है और 10 टोटल है, तो 5/10 काटा पीटी की, कुछ कट रहा है इसमें 1/2, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इजिकल टू 1/2, यानी कि आधे चांसेस ऐसे है कि भाई आप जीतोगे इसमें। अगर ये कह दे कि अगर ऐसा आता है तो आपको लॉटरी लग जाएगी, यानी लॉटरी मिल जाएगी, पैसे इकट्ठे करते हैं ना हम, जैसे 5,000 रुपये हर कोई इकट्ठे करता है, 5,000 रुपये हर कोई देता है, 10 बंदे देते हैं, तो अब 10 बंदों में से अगर ये कह दे कि अगर ये आपके फेवर में आता है, ऐसा ये वाला केस हो, तो यानी कि वो 50% चांस है कि वो उसको लॉटरी मिल जाएगी, यानी कि जो अमाउंट आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, ये होता है केस, लोग पैसे इकट्ठे करते हैं फिर बाद में बोली लगती है, बोली लगने के बाद में इसी तरीके से या फिर ऐसे चिट निकाली जाती है, जिसके नाम की चिट निकलती है वो ही उसी को लॉटरी मिलती है 50,000 की, और उसके बाद फिर वो पैसे हर साल किस्तों में देता रहता है, तो यही चीज़ यहाँ पर है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 50% चांस होंगे उसके जीतने के, अगर उसको कह दिया जाए कि भाई तुम जीत सकते हो, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी अगर आप के नंबर 6 से लेस आए तो, 50% चांस, और यहाँ पर तो बेचारे के पास एक ही चांस है, पता निकलेगा नहीं निकलेगा 10 में से 1। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अब इसका निकालते हैं, लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा हो तो फिर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कौन कौन से फेवर में होंगे, दैट इज 6 से ज़्यादा, 7 होता है, 7, 8, 9, 10 याद रहे 6 और मोर देन 6 नहीं कहा इसने, सीधा ग्रेटर देन 6 का है, तो उसके केस में कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 चार केस उसके फेवर में है, ठीक है। अब PC प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जो हमने माननी है, ये वाली फार्मूला, ये फार्मूला हो गया 4 आउट ऑफ टोटल केस 10 थे, काटा पिटी कुछ कट रहा है, 2×2=4, 2×5=10, 2/5 10 में से 4 चांसेस है कि वो जीतेगा अगर ये इवेंट आती है तो, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 2/5, इज दैट क्लियर, गुड। तो ये हमारे 3 सम हो गए, अब चौथा पार्ट है वो रह गया, वो करते हैं। गेटिंग अ 1-digit नंबर, लेट सी पी, अब डी लेते हैं, लेट डी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 1-digit नंबर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फेवरेबल केसेस निकालेंगे, फेवरेबल केसेस यानी 1-digit का नंबर हो
तो वो वन होता है एक डिजिट का है। हाँ जी ठीक है, टू ओके, थ्री ओके, फोर ओके, फाइव ओके, सिक्स ओके, सेवन ओके, एट ओके, नाइन ओके, टेन नॉट ओके, दो डिजिट का आ गया ये दो। तो कितने हुए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सिर्फ टेन कटा है, बाकी सारे के सारे नंबर हैं, दस में से एक जो नंबर है दस वही कट गया, तो कितने हुए नाइन। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है नाइन और टोटल केसेस है टेन, नाइन बाय टेन। तो अब इसका जो आंसर है वो लिखते हैं, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन डिजिट नंबर इज इक्वल टू नाइन बाय टेन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये चौथा पार्ट, चौथा क्वेश्चन है, इसके जितने पार्ट थे सारे कर दिए, चौथा पार्ट भी कर दिया इसका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।